हेलो एवरीवन, नेक्स्ट हमारा स्टीरियस कंप्लीट हो चुका है यूनिट फिफ्थ का। यूनिट फिफ्थ का सेकंड एनिमल जो होता है वो होता है लेमिलिडेंस। लेमिलिडेंस जो होता है उसका कॉमन नेम होता है यूनियो। और आप लोगों ने अगर यूनियो के स्ट्रक्चर देखी हो तो यूनियो कुछ इस प्रकार का होता है। बाइवॉल्व एनिमल होता है, ठीक है, जो ऊपर की तरफ से खुलता है और इसके ऊपर की तरफ यहाँ पर क्या पाई जाती है, लाइन्स पाई जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, लेमिलिडेंस। अगर हम उसके क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ये फाइलम मोलस्का से बिलोंग करता है। तो मोलस्का के जो एनिमल होते हैं वो आपको पता ही होंगे कि मोलस्का के एनिमल के ऊपर क्या पाई जाती है, कवरिंग पाई जाती है। ठीक है, क्या पाई जाती है, कवरिंग पाई जाती है। और वो कवरिंग किसकी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की होती है। CuCH3 की कवरिंग जो होती है वो पाई जाती है। जितने भी मॉलस्क एनिमल की हम बात करेंगे उन सब के ऊपर क्या पाई जाएगी, कवरिंग पाई जाएगी। अगर हम इसकी क्लास की अगर बात करें तो ये पहले सिपोडा से बिलोंग करता है। ऑर्डर की अगर हम बात करें तो इसका ऑर्डर होता है यूलेमेलिब्रैंकिया। ठीक है, यूलेमेलिब्रैंकिया जिसको हम बोलते हैं। यूलेमेलिब्रैंकिया ऑर्डर के अंदर इसको क्यों रखा गया, यूलेमेलिब्रैंकिया का मतलब होता है कि इसके अंदर रेस्पिरेशन जो होता है वो होता है गिल्स के द्वारा। किसके द्वारा होता है, गिल्स के द्वारा। जितने भी यूलेमिलिब्रैंकिया जो होंगे उनके अंदर रेस्पिरेशन गिल्स के द्वारा होगा। गिल्स के अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर दो डेमीब्रैंक पाए जाते हैं। डेमीब्रैंक मतलब गिल्स जो होते हैं उनको दो प्लेट के अंदर डिवाइड किया जाता है। इस तरह के गिल्स जो होते हैं कुछ दिखाई देते हैं। ठीक है, इस तरह के प्लेट्स के अंदर गिल्स को डिवाइड किया जाता है। गिल्स कैसे होते हैं, दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, प्लेट के रूप में रहते हैं। दोनों ही गिल्स जो होते हैं वो स्ट्रक्चर में सेम होते हैं, लेकिन जो इंटरनल वाला जो गिल होता है, ठीक है, दो तरह के गिल होते हैं, जिसको एक को एक्सटर्नल गिल बोलते हैं दूसरे को इंटरनल गिल बोलते हैं। तो यू लेमिलिब्रैंकिया के अंदर क्या होता है, इन दोनों गिल्स को हम क्या बोलते हैं, लेमिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेमिना। ये लेमिना जो होते हैं तो उसमें जो इंटरनल लेमिना जो होता है वो कैसा होता है, थोड़ा सा ब्रॉड होता है। कैसा होता है, ब्रॉड मतलब चौड़ा होता है। किसके कंपेयर में, जो एक्सटर्नल वाला जो लेमिना होता है उसके कंपेयर में ये थोड़ा सा चौड़ा होगा। कौन सा वाला, इंटरनल वाला जो होगा वो थोड़ा सा ब्रॉड होगा, ठीक है, कंपेयर देन एक्सटर्नल। तो इसके लिए हमने इसको किस में रखा है, यू लेमिली ब्रैंकिया के अंदर। यू लेमिली का मीन क्या होता है, रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू, जिसके अंदर गिल्स के लिए लेमिना पाए जाते हैं, दो सिमिलर लेमिना जो कि प्लेट्स के फॉर्म में रहता है, जिसमें से इंटरनल लेमिना जो होता है वो थोड़ा सा ब्रॉड होता है कंपेयर देन एक्सटर्नल लेमिना। ठीक है, इसलिए जो लेमिलिडेंस होता है, लेमिलिडेंस को हमने किसके अंदर रखा है, यू लेमिलिब्रैंकिया के अंदर रखा है। अगर हम जीनस की बात करें तो जीनस इसका क्या हो जाएगा, लेमिलिडेंस, जिसको हम कॉमनली किस नाम से जानते हैं, यूनियो के नाम से जानते हैं। अब अगर मैं इसके जनरल कैरेक्टर की अगर बात करूँ तो सबसे पहला होता है कि यूनियो मोलस्का का एनिमल होते हुए भी ये कहाँ पर पाया जाता है, फ्रेश वाटर के अंदर पाया जाता है। जबकि मैंने पायला के बारे में देखा था तो पायला भी मोलस्का का एनिमल था, लेकिन वो कहाँ पाया जाता है, वो मराइन वाटर में पाया जाता था। लेकिन यूनियो जो होता है, यूनियो कहाँ पर पाया जाता है, फ्रेश वाटर के अंदर पाया जाता है, जैसे रिवर्स हो गए, लेक्स वगैरह हो गई, तो वहाँ पर ये पाया जाता है। ये बॉटम ड्वेलर्स होता है, फ्रेश वाटर के अंदर भी ये बॉटम के अंदर, बॉटम मीन्स जो तली जो होती है, तल जो होता है वहाँ पर ये पाया जाता है। तो कैसा एनिमल होता है, बॉटम ड्वेलर होता है। ये अपना फूड जो होता है वो फिल्टर फीडिंग मेथड के द्वारा लेता है। फिल्टर फीडिंग मेथड का मतलब होता है कि जैसे हम जैसे पानी को छानते हैं ना, उसको हम हिंदी में छानना भी बोल सकते हैं या फिर छलनी विधि भी बोल सकते हैं। छानना या फिर जो छलनी विधि होती है, क्या बोलेंगे, छलनी विधि। तो छलनी विधि के द्वारा क्या होता है कि ये क्या करता है, वाटर को जब अपने अंदर लेता है तो उसके अंदर ऐसे
ऑर्गन्स पाए जाते हैं, कुछ ऐसे और स्ट्रक्चर्स पाई जाती है जो क्या करती है, उसमें से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको तो ये पकड़ लेते हैं और बाकी का वाटर जो होता है वो फिर से उनकी बॉडी से बाहर रिमूव हो जाता है। तो उस चीज़ को हम बोलते हैं फिल्टर फीडिंग। जैसे हम पानी को छानते हैं, जैसे हम चाय को छानते हैं, तो चाय को छानने पे क्या होता है कि चाय के नीचे की तरफ है ना आ जाती कप में और ऊपर की तरफ चाय पत्ती रह जाती है। तो इसी तरह से यूनियो जो होता है वो भी क्या करता है, फिल्टर फीडिंग करता है। फिल्टर फीडिंग क्यों करता है ये, क्योंकि ये फूड के रूप में किसको लेता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेता है। अगर ये किसी बड़े ऑर्गेनिज्म को एज अ फूड के रूप में लेगा तब इसको फिल्टर फीडिंग की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ये वाटर से क्या करेगा, सीधा का सीधा उस फूड को एज इट इज ऐसे पकड़ लेगा। लेकिन ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेता है तो उसकी वजह से इसको क्या करना पड़ता है, फिल्टर फीडिंग करनी पड़ती है। बहुत सारा वाटर ये अपनी बॉडी के अंदर लेता है, इसमें बॉडी के अंदर कुछ टेंटिकल्स और कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं जो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को तो पकड़ लेती हैं और बाकी एक्स्ट्रा वाटर जो होता है उसको वापस बॉडी से बाहर रिमूव कर देती हैं। तो ये फिल्टर फीडिंग कहलाती है। अब अगर नेक्स्ट अगर इसके अंदर सिस्टम की हम बात करें तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम इसका वेल डेवलप्ड इसमें पाया जाता है, जिसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड के रूप में लीवर काम करता है। अगर हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो इसीलिए इसको यू लैमेली ब्रैंकिया ऑर्डर के अंदर रखा गया, क्योंकि इसके अंदर रेस्पिरेशन के लिए लेमिना पाए जाते हैं, गिल्स इसके अंदर पाए जाते हैं। अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर बात करते हैं तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो ओपन टाइप का होता है। ओपन टाइप का दैट मीन्स जिसके अंदर वेसल्स वगैरह जो होती है वो एब्सेंट होती हैं, और साथ ही साथ में वो कैसा होता है, वेल डेवलप होता है, हार्ट पेरिकार्डियम वगैरह सारे स्ट्रक्चर्स इसमें पाई जाती हैं। एक्सक्रीशन के लिए इसमें दो तरह के ऑर्गन पाए जाते हैं, एक होता है ऑर्गन ऑफ बोजेनस और दूसरा होता है कैबर ऑर्गन। ठीक है, जो ऑर्गन ऑफ बोजेनस जो होता है उसको हम किडनी के रूप में भी जानते हैं। तो दो तरह के ऑर्गन होते हैं, किडनी पाई जाती है, एक पेयर होती है इसके अंदर किडनी, और दूसरे इसके अंदर कैबर ऑर्गन पाए जाते हैं जो कि इसके एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। अगर हम इसके अंदर सेक्स की बात करते हैं तो ये डायोशियस एनिमल होते हैं, मीन्स मेल और फीमेल जो होंगे वो कैसे होंगे, अलग अलग होंगे, लेकिन मेल और फीमेल को ईजीली आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता क्योंकि दोनों दिखने में सिमिलर ही होते हैं। तो जब इनमें रिप्रोडक्टिव टाइम आता है तभी है ना इनके अंदर मेल और फीमेल की पहचान हो पाती है। जब इनके अंदर रिप्रोडक्शन होता है तो रिप्रोडक्शन के दौरान इनके अंदर एक लार्वा बनता है, उस लार्वा का नाम होता है क्लोजीडियम लार्वा। ठीक है, वो लार्वा क्या करता है, मेटामॉर्फोसिस उसके अंदर पाया जाता है, और मेटामॉर्फोसिस के द्वारा वो लार्वा क्या कर होता है, यूनियो के अंदर चेंज होता है। तो ये तो थे इसके जनरल कैरेक्टर्स। अब अगर हम इसमें सबसे पहले अगर बात करते हैं इसके अंदर, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके सबसे छोटे से सिस्टम की, या फिर सिस्टम नहीं बोल के हम उनको बोलते हैं सेंस ऑर्गन। क्या बोलते हैं, अगर हम इसके अंदर सेंस ऑर्गन की बात करते हैं तो सेंस ऑर्गन के लिए इसमें दो तरह के स्ट्रक्चर पाई जाती है। फर्स्ट इसमें पाया जाता है ऑस्ट्रेडियम। क्या पाया जाता है इसके अंदर, ऑस्ट्रेडियम पाया जाता है। दूसरा इसके अंदर पाया जाता है स्टेटोसिस्ट। इसके अलावा इनके अंदर टैक्टाइल ऑर्गन, और फोर्थ इनके अंदर फोटोरिसेप्टर भी पाए जाते हैं। इसके अंदर सेंस ऑर्गन के रूप में चार तरह के स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, ऑस्ट्रेडियम, स्टेटोसिस्ट, टैक्टाइल ऑर्गन और फोटोरिसेप्टर। अगर मैं ऑस्ट्रेडियम की बात करूं तो ऑस्ट्रेडियम जो होता है ये विसरल गैंग्लिया के वहां पर पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है, विसरल गैंग्लिया के वहां पर पाया जाता है। ठीक है, अगर इसका कलर की अगर मैं बात करूं तो इसका कलर जो होता है वो येलोइश कलर का होता है। ठीक है, और इसका मेन काम होता है ऑस्ट्रेडियम का वाटर को टेस्ट करना, वाटर टेस्टिंग का जो है ना काम होता है। वाटर टेस्ट जो होता है वो कौन करता है, ऑस्ट्रेडियम। जैसा कि मैंने आपको पायला के अंदर भी बताया था कि पायला के अंदर भी ऑस्ट्रेडियम पाया जाता है जो क्या करता है, वाटर को टेस्ट करने का काम करता है, उसमें प्रेजेंट होता है। स्टेटोसिस्ट जो होता है वो कहाँ पर पाया जाता है, जो पैडल गैंग्लिया होता है। पैडल गैंग्लिया किसको हम बोलते हैं, जो कि फुट वाला
पार्ट जो होता है फुट के ऊपर जो पाया जाता है गैंगलिया उसको हम पेडल गैंगलिया बोलते हैं। और ये क्या करता है, लोकोमोशन के टाइम पे बैलेंस बनाने का काम करता है। क्या करता है, लोकोमोशन के टाइम पे स्टेटोसिस्ट बैलेंस बनाने का काम करता है। फिर अगर हम टैक्टाइल ऑर्गन की बात करें तो जो मेंटल होता है मेंटल के नीचे की तरफ क्या पाया जाता है, टैक्टाइल ऑर्गन इसमें पाए जाते हैं। मेंटल के नीचे की तरफ पूरी बॉडी के अंदर टैक्टाइल ऑर्गन इसमें पाए जाएंगे। टैक्टाइल ऑर्गन जो होते हैं स्पर्शक के रूप में काम करते हैं। और फिर आता है फोटो रिसेप्टर जो कि लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करने का काम करता है कि लाइट कितनी इंटेंसिटी से आ रहा है, लाइट की इंटेंसिटी को क्या करता है ये मेजर करता है। तो ये चार तरह के सेंस ऑर्गन इसमें पाए जाते हैं। इसका जो सबसे छोटा सा जो टॉपिक है ऑस्टियोफ्रीडियम स्टेटोसिस टैक्टाइल ऑर्गन और फोटो रिसेप्टर। ऑस्टियोफ्रीडियम काम होगा विसरल गैंग्लिया के वहाँ पर येलोइश कलर का होगा, इसका काम क्या होगा वाटर को टेस्ट करने का। स्टेटोसिस की हम बात करते हैं तो ये पेडल गैंग्लिया के वहाँ पर ये पाया जाता है, इसका काम क्या होता है लोकोमोशन के टाइम पे बैलेंस बनाने का काम होता है। टैक्टाइल ऑर्गन की अगर हम बात करते हैं तो ये पूरे बॉडी में मेंटल के नीचे की तरफ पाए जाते हैं जो स्पर्शक के रूप में काम करता है। और फिर आता है फोटो रिसेप्टर जो क्या करता है लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करते हैं। अगर स्टेटोसिस्ट के अगर सेक्शन कटिंग की अगर हम बात करते हैं तो इसके ऊपर की तरफ क्या पाया जाता है, कनेक्टिव टिश्यू पाए जाएंगे स्टेटोसिस्ट के। अंदर की तरफ इसके अंदर कैल्शियरस लेयर पाई जाती है, इस कैल्शियरस लेयर को हम बोलते हैं स्टेटोलिथ, ठीक है स्टेटोलिथ बोलते हैं इसको। और नीचे की तरफ इसके अंदर क्या पाई जाती है, सेंसरी सेल पाई जाती है, इसमें नीचे की तरफ नर्व्स जो होती है वो निकली हुई रहती है। इसके अंदर बहुत सारी कैल्शियरस लेयर पाई जाती है, कैल्शियरस लेयर मतलब जो कि कैल्शियम की बनी होती है जो कि स्टेटोलिथ का काम करती हैं। और फोटो रिसेप्टर की अगर हम बात करते हैं तो फोटो रिसेप्टर जो होते हैं वो सिफॉन्स के मार्जिन पर पाए जाते हैं और क्या करते हैं लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं। सिफॉन मैंने आपको स्ट्रक्चर जैसे पाइला के अंदर बताई थी, तो उसके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होता है उसके अंदर एक इस तरह की पाइप लाइक स्ट्रक्चर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकली रहती हैं जो एरियल रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। तो वो स्ट्रक्चर न्यूक्लियर लोब जो होता है वो स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, सिफॉन कहलाती है। इसमें भी फोटो रिसेप्टर जो होता है वो कहाँ पर पाया जाता है, सिफॉन के मार्जिन पर पाया जाता है और ये क्या करता है लाइट के लिए सेंसिटिव होता है, ठीक है। स्टेटोसिस्ट के अंदर क्या पाए जाएंगे, पूरे कनेक्टिव टिश्यू का ये बना हुआ, अंदर की तरफ कैल्शियरस लेयर से बनी हुई स्टेटोलिथ होती है और उसमें नीचे की तरफ सेंसरी सेल पाई जाती है, पीछे की तरफ इससे क्या निकली होती है नर्व्स निकली होती है। तो ये था यूनियो का जनरल इंट्रोडक्शन और साथ ही साथ में उसके सेंस ऑर्गन। थैंक यू।